भारत विच लगातार कोरोना वायरस का कहर वधदा होया नजर आ रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे भारत विच 3,46,786 नवे कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस दे नाल ही 2,624 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के नीति घाटी विच ग्लेशियर फटन की खबर सामने आई सी, जिसकी मुख्यमंत्री दे वल्लों पुष्टि भी की गई सी। अते हुण तक इस घटना दे विच 384 व्यक्तियों नूं बचाया गया है। उन्हां दे विचों 6 दी हालत गंभीर है अते इस वेले डॉक्टरी इलाज दे अधीन ने। जिक्रयोग है कि 18 लाशां भी बरामद कीतियां गईयां ने। बचाव कार्य जारी है। इह सारी जानकारी भारतीय फौज दे वल्लों सांझी कीती गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत विच वध रहे कोरोना वायरस के खतरे उत्ते चिंता का प्रगटावा किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं भारत के लोगों नाल अपनी एकता का प्रगटावा करना चाहता हाँ, क्योंकि भारत इस वेले कोरोना वायरस की एक खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। अमृतसर के नीलकंठ हस्पताल दे विच ऑक्सीजन की घाट होने के कारण देर रात 6 मरीजों की मौत होगी, जिन्ह के नाम कवलजीत कौर गुरदासपुर, कुमाण अमृतसर तो बलवंत सिंह, छैरटा तो राम प्यारी, दीदार सिंह जंडियाला अमृतसर वजों हुई है। अमृतसर के नीलकंठ हस्पताल दे विच 6 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत होगी, जिसके उत्ते पंजाब के मंत्री ओपी सोनी का कहना सी कि अधिकारियों नूं इस दे बारे जानू करवाना चाहिदा सी। इस दे नाल ही तुहानू दस दिए कि इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार नूं राज दे लोहे अते स्टील उद्योगों की ऑक्सीजन नूं डॉक्टरी वरतों लई इस्तेमाल करन दे आदेश दिते हन अते इस दे नाल ही राज अते जिला पद्धर दे उत्ते ऑक्सीजन कंट्रोल रूम स्थापित करन दे भी आदेश जारी कर दिते गए ने। इह आदेश सूबे दे विच वध रहे ऑक्सीजन संकट दे दौरान दिते गए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों माइनिंग नूं लै के सख्त निर्देश जारी कर दिते गए ने। जिक्रयोग है कि पंजाब सरकार दे वल्लों रात 7:30 बजे तो सवेर दे 5 बजे तक करफ्यू लगाया गया है। इस दे अधीन जेकर कोई माइनिंग दा काम करदा फड़िया गया तां उस दे उत्ते सख्त कार्रवाई कीती जावेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बेअदबी दे मामले नूं लै के सवाल चुके हन। उन्हां दा कहना है कि सानूं इंसाफ किवें मिलेगा। जिक्रयोग है कि इस मौके ते उन्हां ने बादल परिवार नूं निशाने दे उत्ते लिया। किसान आगू राकेश टिकैत का एक वड्डा बयान सामने आया है, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि जेकर सरकार ने किसानों के अंदोलन नूं कुचलन की कोशिश की तो देश भर विचों लखां लोग घंटे विच ही दिल्ली पुज के सरकार नूं मूंह तोड़ जवाब देणगे। जिक्र योग है कि यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत ने इन शब्दों का प्रगटावा सरदूलगढ़ के नेड़ले पिंड करंडी विखे किसानों के इकट्ठ नूं संबोधन करते हुए किया। फगवाड़ा चंडीगढ़ बाईपास दे उपर अज दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरियां दे वल्लों एक नौजवान दे कोलों उसकी ब्रीजा कार खोली गई। जिक्रयोग है कि इस घटना नूं अंजाम देने तो बाद लुटेरे मौके तो फरार हो गए। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।